हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी रामेन की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे सस्ती चीज़ों से। सस्ती से मेरा मतलब है कि कोरियन स्टाइल रामेन बनाने के लिए हम कोई भी गोरमे चीज़ या जो बहुत महंगे नूडल्स या सारी जो महंगी वेजिटेबल्स होती है वो नहीं यूज़ करेंगे। जो हमारे यहाँ लोकली ज़्यादा आसानी से चीज़ें मिलती है उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं कोरियन स्टाइल रामेन। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए इंस्टेंट नूडल्स। मैं टॉप रामेन यूज़ कर रही हूँ, आप मैगी यूज़ कर सकते हैं, यिप्पी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल हमें चाहिए 100 ग्राम नूडल्स, ये 50-50 ग्राम के 10-10 रुपए वाले पैकेट्स हैं। फिर चिली फ्लेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च। यहाँ पर मैं दो तरह की लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, एक तीखी वाली और एक ब्यार्गी लाल मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इसका अच्छा कलर आता है। पर आप चाहें तो पूरी की पूरी जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है वही इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी फटाफट कि आप चिली फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं, पर आप चाहें तो रेडीमेड चिली फ्लेक्स भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो जो मिर्च है इसे हमें हल्का सा भूनना है 2 मिनट के लिए, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और आसानी से हम पीस सके और अच्छी खुशबू भी आए। इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करें और ठंडा करने रख दें। अब सब्जियों में यहाँ पर मैंने लिए हैं मशरूम, 4 बटन मशरूम है, थोड़ा सा गाजर है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप सब्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा प्याज है, आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट लिया है, आप चाहें तो मोटा कूट के भी ले सकते हैं। 2 पैकेट्स है ये मसाला के, जो इंस्टेंट नूडल्स के साथ ही आए हैं। अब एक सॉस पैन या कढ़ाई में डालें 2 कप पानी। अब पानी में जो मैंने आपको वेजिटेबल्स यानी सब्जियां दिखाई थी वो हमें डालनी है। तो गाजर है, मशरूम है, हरा प्याज है, थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, या फिर आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं उन्हें, क्योंकि हमें यहाँ पर पकाकर ब्रॉथ ही बनाना है। साथ ही जो मसाला आया था इंस्टेंट नूडल्स के साथ वो अब इस पूरे ब्रॉथ में हमें अच्छे से उबाल आने देना है, जब तक कि ये सब्जियाँ ऑलमोस्ट पक ना जाएं। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना ना भूलें। अब ये ब्रॉथ हमारा रेडी है, जब ये अच्छे से उबल जाए इसे आप छान लें। छानने के बाद इसमें से आप गाजर और मशरूम को सेपरेट कर लें। इन सब्जियों को हम यूज़ करेंगे आगे रामेन का बोल सेटअप करने में। प्याज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मैश करके आप जितना हो सके छान लें। तो ब्रॉथ को आप साइड में रख दें, परोसने के टाइम पे इसे गर्म करके यूज़ करें। अब जो मिर्च है ये ठंडी हो गई है, अच्छी क्रिस्पी हो गई है, इसे हमें दरदरा यानी मोटा मोटा पीसना है मिक्सी में। मिर्च को पीस लें और फिर एक बोल में ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर आप रेडीमेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें थोड़ा सा नमक। अब एक पैन या कढ़ाई में लें 1/2 कप तेल। आप चाहें तो चिली ऑयल कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी के हिसाब से ये ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब ये लहसुन जो मैंने डाला है इसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है, एकदम हल्का सा ब्राउन। और तुरंत इसे डालना है हमें मिर्च के ऊपर। मिर्च पर डालने के बाद आप इसे मिलाएं और रख दें। वैसे जो चिली ऑयल होता है, जितना आप रेस्ट करेंगे इसे रहने देंगे, इसका फ्लेवर और बढ़ता है। तो आप इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं रेसिपी में, या आप कुछ दिन पहले भी बनाकर इसे रख सकते हैं। अब पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्सा। ऐसा करने से जो तेल है उसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है हरे प्याज का। तो हल्का सा आप इसे फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट, ये साइज़ में एकदम छोटा हो जाएगा। फिर डालें लहसुन और इसे भी फ्राई कर लें हल्का सा गोल्डन होने तक। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। और यह है थोड़ा सा अदरक, अदरक और लहसुन दोनों को फ्राई कर लें। फिर डालें गाजर और मशरूम, तो ये वही सब्जियां हैं जो हमने ब्रॉथ में से साइड में निकाल कर रखी थी। थोड़ी सी काली मिर्च, आप यहाँ चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और हल्का सा नमक। तो बस इन्हें थोड़ा सा सौते करना है, हल्का सा फ्राई करना है। तो ये हमारी सब्जियां भी रेडी हैं। बस एक और लास्ट चीज़, इसके बाद हम फाइनली हमारा रामेन का बोल असेंबल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्रिल कर रही हूँ थोड़ा सा पनीर। तो हल्का सा तेल या फिर आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, हल्का सा नमक। अब पनीर की जगह आप टोफू ले सकते हैं, या फिर पनीर को आप ऐसे ब्लॉक में ग्रिल करने की बजाय इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट करके ही सीधा शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह पनीर को पहले ग्रिल करें और इसकी स्लाइसेस कट कर लें। ये पनीर ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब पूरी रेसिपी पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो सबसे लास्ट में आप नूडल्स को बॉईल करें, क्योंकि ये नूडल्स बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, इस तरह के जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं।
आप स्पेशल जो रामन वाले नूडल्स आते हैं वो भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर ही सकते हैं, पर ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं और प्राइस भी कम होती है। तो नूडल छानने के बाद तुरंत रेसिपी में यूज़ करें या फिर तेल लगाकर मिक्स करके रखें। एक बोल में ले थोड़ा सा सोया सॉस और चिली ऑयल। अब चिली ऑयल कितना यूज़ करना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ करें। ब्रॉथ को अच्छे से गर्म होने दें और फिर डालें बॉयल किए हुए नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद जो भी हमने साइड में सब्जियां निकाल के यानी जो भी हमने प्रेप करके रखी है बस वो सारी चीज़ें हमें हमारे बोल पर सजानी है। तो थोड़ा सा पनीर, मशरूम के पीसेस, गाजर, हरा प्याज अगर आपके पास है तो वो भी डालें, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ी सी तिल, तिल को आप हल्का सा भून कर डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। आखिर में आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा और चिली ऑयल डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही परोस सकते हैं। हमारा गर्मा गर्म वेजिटेरियन बोल ऑफ रामेन रेडी है, जिसे हमने बनाया है कम से कम खर्चे में। मतलब आप कहेंगे पनीर महंगा है, मशरूम महंगा है, पर हमने बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। चलिए अब मैं इसे खाती हूँ और फिनिश करती हूँ। ये था कोरियन रामन का वेजिटेरियन वर्जन। अगर आप इसका नॉन वेजिटेरियन वर्जन भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।